हेलो एंड वेलकम हेलो टू। एंड हम आज बात वेलकम करेंगे टू आज आईपीपीएस बात से। करेंगे आईपीपीएस आईपीएस से प्रोसेस से में जितनी भी जितनी जानकारी, जानकारी जैसे जैसे कि आईपीपीएस एफ आईपीपीएसएफ वैकेंसी कब का आता है, बात है, सिलेबस क्या सिलेबस क्या रहता है, रहता है, एग्जाम एग्जाम पैटर्न ये पैटर्न सब, कैसा है, नोटिफिकेशन कब नोटिफिकेशन कब आती आती है, है, एडमिट कार्ड एडमिट कब कार्ड कब आता है। आता है। तो चलिए चलिए वीडियो को वीडियो स्टार्ट को स्टार्ट करते हैं। करते हैं। एग्रीकल्चर फूड एफिशिएंट एग्रीकल्चर वैकेंसी, सिलेबस, सिलेबस, एग्जाम एग्जाम पैटर्न पैटर्न आदि की आदि की जानकारी। जानकारी। तो तो एग्रीकल्चर फील्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर फील्ड ऑफिसर गोल्डन गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटी ग्रेजुएट्स ग्रेजुएट्स के। के लिए एवरी एवरी ईयर ईयर थाउजेंड 1,000 वैकेंसीज आईपीएस आईबीपीएस एफओ रिलीज रिलीज फॉर फॉर पब्लिक सेक्टर पब्लिक बैंक। सेक्टर बैंक। इन दिस दिस एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन हैज हैज कंपटीशन कंपटीशन देन एज अदर अदर एग्जाम्स, एग्जामिनेशन अट्रैक्टिव पे अट्रैक्टिव पे स्केल, स्केल लेस लेस वर्क वर्कलोड लोड कंपेयर्ड टू कंपेयर्ड टू पीओ। पीओ। बात बात करें करें वैकेंसी वैकेंसी की की जो सन जो दो सन हजार दो हजार बाईस बाईस तेईस में तेईस आई में थी, आई थी, शुरुआत में सन दो हजार शुरुआत बाईस में तेईस 22-23 में में 416 416 वैकेंसी थी, वैकेंसी थी, लेकिन बाद में बाद क्या में हुआ, क्या हुआ, पंजाब पंजाब नेशनल नेशनल बैंक बैंक 100 वैकेंसी बाद में बाद ऐड। में ऐड की। तो हमारी हमारी कुल कुल जो जो है है सन दो सन हजार दो हजार बाईस बाईस तेईस तेईस की की वैकेंसी वैकेंसी 516 516 हो हो गई। गई। हर ईयर की अगर बात बात करेंगे करेंगे तो जो तो हमारा जो हमारा नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन है वो फर्स्ट फर्स्ट नवंबर को नवंबर को स्टार्ट हो स्टार्ट हो जाता है। जाता है इसका इसका ऑनलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन फ्री फ्री के के लिए, लिए ऑनलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन की की लास्ट लास्ट डेट डेट रहती रहती है है 21 नवंबर। इक्कीस ठीक है, नवंबर कैलेंडर कैलेंडर ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जाम एग्जाम होने होने से से दिसंबर दिसंबर में में होता होता है। है। जो एक्स्ट्रा जो एग्जाम एग्जाम 24 से चौबीस से 31 इकतीस दिसंबर के दिसंबर के बीच बीच में में होता होता है, है, रिजल्ट रिजल्ट जनवरी जनवरी में में आउट आउट होता होता है। है। और और मेंस मेंस के के लिए लिए जो जो है है फॉर्म फॉर्म ऑनलाइन ऑनलाइन 29 जनवरी के बाद 29 जनवरी के स्टार्ट बाद हो स्टार्ट हो जाता जाता है। है। 29 जनवरी को जो जनवरी को हमारा हमारा मेंस का मेंस का ऑनलाइन ऑनलाइन पेपर पेपर होता होता है, है। रिजल्ट रिजल्ट इसका इसका फरवरी फरवरी में में डिक्लेयर डिक्लेयर होता 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 है। है। फरवरी में ही कॉल फरवरी लेटर में इंटरव्यू के इंटरव्यू लिए के लिए आता है। आता है। इंटरव्यू इंटरव्यू हमारा हमारा मार्च मार्च को को कंडक्ट कंडक्ट किया किया जाता जाता है। है। अलॉटमेंट अलॉटमेंट है है जब जब कहाँ कहाँ किसका किसका चयन चयन हुआ हुआ है, है, ये ये हमारा हमारा 1 अप्रैल को1 अप्रैल को रिजल्ट रिजल्ट इसका इसका आउट आउट होता होता है। है। ठीक ठीक है, है, पैटर्न पैटर्न की की बात बात करें करें तो तो ये ये हमारा हमारा एग्जाम एग्जाम 3 फेज में3 फेज में कंडक्ट कंडक्ट होता होता है, है, प्रीलियम, प्रीलियम, मेंस, मेंस, इंटरव्यू। इंटरव्यू। प्रीलियम प्रीलियम इसमें इसमें केवल केवल क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग नेचर नेचर का का होता होता है। है। यदि यदि आप आप प्रीलियम प्रीलियम क्वालिफाई क्वालिफाई करते करते हैं हैं तभी तभी मेंस मेंस में में बैठ बैठ सकते सकते हैं। हैं। प्रीलियम प्रीलियम में में हमारा हमारा रीजनिंग, रीजनिंग, क्वांट, क्वांट, इंग्लिश इंग्लिश 3 सब्जेक्ट तीन पूछे सब्जेक्ट जाते पूछे हैं जाते हैं जिनका जिनका वेट वेट रहता रहता है। है। रीजनिंग रीजनिंग का का 50 50 क्वेश्चन क्वेश्चन 50 50 नंबर नंबर के, के, 40 मिनट चालीस के मिनट के लिए, लिए, क्वांट के क्वांट के 50 50 क्वेश्चन क्वेश्चन 50 50 नंबर नंबर के, के, 40 40 मिनट मिनट के के लिए, लिए, इंग्लिश इंग्लिश के के 50 50 क्वेश्चन क्वेश्चन 25 25 नंबर नंबर के, के, 40 40 मिनट मिनट के, के, कुल जो है हमारा हमारा 2 घंटे2 घंटे में में 2 घंटे का2 घंटे का पेपर पेपर होता है होता है जिसमें जिसमें 150 150 क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे पूछे जाते जाते हैं हैं जो जो 125 125 नंबर नंबर के के होते हैं। होते हैं। ठीक ठीक है, है, जिसमें जिसमें नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग मार्किंग होती होती है है 0.25, 0.25, यानी यानी एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन गलत गलत करने करने पर पर हमारा हमारा 0.25 0.25 नंबर नंबर कट कट जाएगा, जाएगा, मना मना पार्ट पार्ट हो हो गया गया माइनस माइनस मार्क मार्क हो हो गया। गया। फिर फिर बात बात करें करें मेंस मेंस की, की, मेंस मेंस में में एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर पूछा पूछा जाता जाता है, है, प्रोफेशनल प्रोफेशनल नॉलेज, नॉलेज, प्रोफेशनल प्रोफेशनल नॉलेज नॉलेज जो जो बहुत बहुत से से सब्जेक्ट सब्जेक्ट आ आ जाते जाते हैं हैं इसमें। इसमें या या सब्जेक्ट सब्जेक्ट की की बात बात करें करें जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से हैं इसमें रिलेटेड पूछे जाते सब्जेक्ट हैं। हैं ठीक ठीक है, है, इसमें इसमें माइनस माइनस मार्क मार्क भी भी रहते रहते हैं। हैं। इसमें इसमें जो जो क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे पूछे जाते जाते हैं हैं 60%60% पूछे पूछे जाते जाते हैं, हैं, 60 60 नंबर, नंबर, ये ये बाद बाद में में 80 नंबर80 नंबर में में कन्वर्ट कन्वर्ट कर कर दिए दिए जाते जाते हैं, हैं, इसमें इसमें 45 मिनट पैंतालीस का मिनट का समय समय दिया दिया जाता जाता है। है। इसमें इसमें भी भी 0.25 0.25 नंबर नंबर की की मेंस मेंस मार्किंग मार्किंग होती होती है। है। ये बात करें वैकेंसी तो 2012-13 में वैकेंसी आई थी 1556, फिर उसके बाद 13-14 तो 3500, 57, 14-15 में 2600, 15-16 में 2546, 16-17 में 2693, 17-18 में 875, ऐसे ऐसे ही वैकेंसी आई है। यदि बात करें हम सन 2021-22 की तो 1284 वैकेंसी है, यदि बात करें 22-23 की तो इस बार हमारी वैकेंसी जो आई है 516 है। पे लेवल की यदि बात करें तो न्यू पे स्केल चल, हाँ, न्यू न्यू पे स्केल
न्यू पे स्केल है 58,000। यदि आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो आप 58,000 सैलरी मिलेगी। सब्जेक्ट कौन कौन से रहते हैं? 4-year degree प्रोग्राम वही मनुष्य जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, पिसीकल्चर, एग्री मार्केटिंग, कॉपरेशन बैंकिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, फूड साइंस, एग्रीकल्चर, वाइल्ड टेक्नोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर। एज लिमिट हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट 20-30 मिनिमम, जो 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल। इसमें SC ST का अलग से रिलैक्सेशन दिया जाता है 5 साल का। ये बात करें सब्जेक्ट की, तो एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स में करंट डाटा, करंट स्कीम्स जो ये सब पूछे जाते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन डाटा, नाबार्ड फार्मर्स, कैटल पोल्ट्री नॉन्स, सब्सिडी रीच और वेरियस इम्प्लीमेंट्स, कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इम्पोर्ट हुआ, ये सब डाटा याद करना पड़ता है। क्रॉप्स कौन कौन सी है, स्पेसिंग, टाइम ऑफ सोविंग, सीड रेट, वेराइटीज ऑन इम्पोर्टेंट, डिफरेंट डिजीजेस एंड इट्स कॉजेस, रिसेंटली रिलीज वेराइटीज, सीड टेक्नोलॉजी, बेसिक सीड साइंस, डिफरेंट सीड टेस्ट, गवर्नमेंट स्कीम, एग्रीकल्चर इकोनॉमी में हमारे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर फॉर स्टडीज, वेरियस टाइप ऑफ एनिमल प्रैक्टिसेस, जैसे सोयल रिसोर्स, फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी, फर्टिलाइजर एंड फर्टिलाइजर कंजप्शन, सोयल टाइप्स एंड कैरेक्टर्स, इंडियन सोयल, टाइप ऑफ सोयल, ग्रीन मैन्योर, एनिमल हस्बेंड्री टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स, एग्रीकल्चर स्मॉल इंडस्ट्री लाइक डेयरी, फिशरीज, ईटीसी, वेरियस डिजीज एंड इट्स कॉजेस, कौन कौन सी डिजीज है इसके द्वारा होती है, ये सब पूछा जाता है। रूरल वेलफेयर एक्टिविटीज में बात करें तो बिफोर इंडिपेंडेंस के बारे में पूछा जाता है, आफ्टर इंडिपेंडेंस डिफरेंट इंश्योरेंस स्कीम्स कौन कौन से एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम कौन कौन सी हमारे यहाँ चल रही है, कॉन्ट की सिलेबस की बात करें डिपेंड नंबर सीरीज, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, टेबल्स, चार्ट्स एंड फिगर्स, एवरेज, मेंस्ट्रुएशन, टाइम एंड बार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, पार्टनरशिप, प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, एज प्रॉब्लम। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ, क्लोज टेस्ट, स्पोर्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराजम्बल्स, ग्रामर करेक्शन, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग चेक क्वेश्चंस, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग में हमारा सिटिंग अरेंजमेंट, एनालिटिकल रीजनिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, पजल, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डाटा इनसेप्शन, डाटा सफिशिएंसी, टाइम एंड सीक्वेंस टेस्ट, रिलेशंस, ऑर्डर रैंकिंग, एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग, सिंपल अरिथमेटिक रीजनिंग, सिलोगिज्म, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इनपुट एंड आउटपुट, नॉन वर्बल सीरीज, कंप्लीशन, फाइंड मिसिंग फिगर्स, मिरर इमेज। बात करें फाइनल कट ऑफ तो 2022 की कट ऑफ हुई थी जनरल 63.87, ओबीसी 63.47, ईडब्ल्यूएस 62, एससी 56.67, एसटी 3.5, 2021 की 77.07 जनरल, ओबीसी 76.20, ईडब्ल्यूएस 74.67, एससी 67.60, एसटी 65.33। यदि बात करें मेंस की कटऑफ
सन 2022 की वो ऑल ओवर थी ये सब मंथ्स की, इसमें जनरल की थी 27.75, ओबीसी की 27.75, ईडब्ल्यू 27.75, एससी 27.75, एसटी 27.75, प्रिपरेटरी आस पर सिर्फ आपके दो दिन पूछे जाते हैं। देन द प्रीलिम्स एग्जाम टेक फॉर आईबीपीएस एग्जाम, द प्रीलिम्स एग्जाम टेक ऑन 31 दिसंबर 2022। पार्ट इज द आईबीपीएस एप्लीकेशन फीस, तो एप्लीकेशन फीस हमारी ₹850 जनरल ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए हमारी 173 रहता है। कैन आई बी के मैं जनरल मैनेजर इन फ्यूचर जॉइनिंग द बैंक एज एन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, यस यू कैन बिकम ए जनरल मैनेजर आफ्टर मेकिंग द करियर प्रोग्रेस। व्हाट इज द सैलरी ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, सैलरी जो हमारी है स्केल वन की 36,400, स्केल टू की 48,800, स्केल थ्री की 64,600। आई एम 34 ईयर्स ओल्ड, एससी कैटेगरी, कैन अप्लाई दिस पोस्ट, यस मैक्सिमम एज है हमारी 30 ईयर्स, लेकिन रिलैक्सेशन मिलता है इसे स्टू, इसलिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 5 साल का एससी एसटी के लिए रिलैक्सेशन मिल जाए। मैं एडमिट कार्ड लेट फॉर एफ ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम 7 to 10 days बिफोर एग्जाम, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर आईबीपीएस एफ एग्जाम, फर्स्ट प्रीलिम क्वालिफाई, then mains and their interview, mains and interview basis your selection, then the admit card is for AF prelims in December 2022 7 to 10 days, can finally restore apply for IBPS AF, no IBPS AF का graduation complete degree जो विद्यार्थी बीसी कर रहे हैं वो जो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट डिग्री की आवश्यकता होती है। तो ये थी हमारी ऑल इन्फॉर्मेशन आई बी पी एस एफ के बारे में, यदि कुछ भी छूट गया है इसमें तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया आए तो चलिए, थैंक यू, बेस्ट आफ्टर, बाय बाय।